मैं यहाँ पर अगर मैं 12 जुलाई डालते हो, देखो यहाँ से हम कहाँ कहाँ गए थे ये भी दिखाएगा। देखिए, हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बनाया हूँ कि एक ईमेल आईडी और पासवर्ड से आप क्या क्या देख सकते हो, वो सब बताया हूँ इस चीज़ में। जो कि एक ईमेल आईडी आपका, अगर आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड किसी के हाथ लग जाता है तो आपको वो क्या क्या आपका देख सकता है और आपको क्या क्या नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर जा सकता है। इसमें पूरा सिक्योरिटी के बारे में, आपका ईमेल आईडी जैसे कोई हैक कर लेता है या जान जाता है तो क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि जानकारी आपको बहुत ज़रूरी होती है कि आपके ईमेल आईडी से वो क्या क्या कर सकता है। तो वीडियो को पूरा देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर या मोबाइल में जा करके और गूगल लिखना है, GOOGLE। गूगल लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर गूगल आ जाएगा और यहाँ पर क्लिक करने के बाद साइन इन का ऑप्शन आएगा। साइन इन पर क्लिक करने के बाद जैसे है कि आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और जो भी ईमेल आईडी है उसका नेक्स्ट करने के बाद पासवर्ड, ये सबको आता होगा मैक्सिमम को, तो मैंने ऑलरेडी मैं कर रखा हूँ अपना। तो हम वहाँ से चलते हैं, देखते हैं क्या क्या हम कर रखे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और आने के बाद मैनेज योर गूगल अकाउंट्स पर जाएंगे। गूगल अकाउंट्स पर जाने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएंगे तो आपका वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन देख सकते हो आप किसी का भी जो कि उसका हो, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, इसके बाद ईमेल आईडी जो कांटेक्ट में हो। ये ईमेल आईडी इसलिए यूज किया जाता है, जैसे कि हमारा जो है ईमेल आईडी किसी वजह से अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो उस पर रिकवरी किया जा सकता है। और ये मोबाइल नंबर भी इसलिए दिखाया जाता है यहाँ पर, ये तो मोबाइल नंबर पर भी रिकवरी आप कर सकते हो ईमेल आईडी का। तो ये ज़्यादातर किसी को नहीं बताना चाहिए हमारा कौन सा मोबाइल नंबर से ईमेल आईडी रिकवरी होगा। और इसके बाद ये करने के बाद आप नेक्स्ट आओगे तो डाटा प्राइवेसी पे आना है आपको। और यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहले दूसरी बात क्या होती है कि यहाँ पर आपको अपना नाम और चेंज भी कर सकते हो, इसमें ये बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। कई बार क्या हो जाता है कि जो नाम मैंने शुरुआत में लगाया था वही अभी तक चल रहा है, मगर हमें चेंज करना है तो आप ईमेल आईडी का भी नाम आप जो है एड्रेस वड्रेस चेंज कर सकते हैं इसमें। तो इसके बाद हम बैक आते हैं और दूसरा ऑप्शन इसमें हमारा आ जाता है पर्सनल डाटा, डाटा एंड प्राइवेसी पर आप जाओगे। तो यहाँ से आप क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम इसमें देखो वेब एंड ऐप एक्टिविटीज, वो देख सकता है आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड के साथ कि आपने वेब पे जो है अपने मतलब अपने मोबाइल में क्या क्या वेबसाइट या फिर आप कोई किसी सर्च किए, वो सब चीज़ देख सकता है यहाँ पर। देखिए, जैसे मैंने गूगल सर्च किया अभी थोड़ी देर बेस्ट जस्ट थोड़ी देर पहले, तो वो आपको दिखा रहा है यहाँ पर कि आपने गूगल सर्च किया था, इसके बाद मैंने न्यूज़ सुबह सुबह सुना था तो वो भी दिखा रहा है आपको। यूट्यूब का और पूरे आपका हिस्ट्री का जो भी आप सर्च करो वो सब चीज़ देख सकता है, एक महीने पहले भी आपने क्या किया वो सब देखा जा सकता है इसमें। इसके बाद हम इससे बैक आते हैं और बैक आने के बाद सबसे पहले एक बार और बैक आते हैं हम, और इसके बाद यहाँ से जाओगे आप तो यू इसमें लोकेशन हिस्ट्री है, तो लोकेशन में जाके आप कहाँ कहाँ जा रहे हो वो कोई भी देख सकता है। आप यहाँ पर जाके मैनेज हिस्ट्री पे जाओगे तो आप यहाँ से दिखाई देगा कि आप किस डेट को कौन कहाँ था, इसमें सब दिखाई देगा आपका। देखिए, मैं कहाँ गया हूँ ये सब अपडेट यहाँ दिखा रहे हैं, पूरा हिस्ट्री दिखा रहे हैं कि मैं कहाँ पर गया हूँ, कब गया हूँ, ये रेड रेड पॉइंट दिख रहा है ना, सब दिख रहा है। और इस पर आप यहाँ से जैसे ईयर में या मंथ में आप करना चाहोगे, जैसे ईयर में हम कर दिए 2021 और यहाँ पर हम कर देते हैं मान लो कि जून या जुलाई जो भी है। इसके बाद जून में हम कहाँ कहाँ गए थे देखिए यहाँ पर दिखा रहा है ये, और इसके बाद हम जुलाई में कहाँ तक कहाँ गए थे वो भी दिखाएगा आपको। देखिए, तो जुलाई में मैं मुंबई का ट्रिप गया था वो भी दिखा रहा है आपको मुंबई में। मैं यहाँ पर अगर मैं 12 जुलाई डालते हो, देखो यहाँ से हम कहाँ कहाँ गए थे ये भी दिखाएगा। देखिए, मुंबई से मैं मतलब दिल्ली से मुंबई फ्लाइट से गया हूँ, वो ये सब दिखाया डिटेल। तो आप किसी का भी कई भी डेट का देख सकते हो कहाँ कहाँ गया है वो भी आपका वो देख सकता है ईमेल आईडी के थ्रू। और इसके बाद आप बैक कर सकते हो आप यहाँ से, और देखना हो गया। इसके बाद आप यहाँ से बैक मैं चला जाता हूँ, और इसके बाद यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर देखो YouTube में आपने क्या क्या देखा है ये भी दिखा देगा। YouTube में उसने आपने क्या क्या देखा है आप देख सकते हैं यहाँ से YouTube पे जाके मैनेज हिस्ट्री में जाके देखिए YouTube में आपने क्या सर्च किया है, क्या देखा है, कब देखे हो, कितने बजे रात में, मैंने 11 बजे रात में देखो ये देख रहे थे UPSC मेंस हिस्ट्री, तो ये आपका पूरा दिखाएगा, हिस्ट्री दिखाएगा 11 बजे रात में क्या देख रहे थे, 10 बजे दिन में क्या देख रहे थे, आप पूरा आपका
यहाँ पर दिखाएगा, डिटेल दिखाएगा कितना मिनट कोई वीडियो चला है वो सब भी दिखाएगा। यहाँ पर जाओगे आप डिटेल तो आपको दिखाई देगा, ये आप देखो पूरा दिखाई देगा इसमें। तो 6:40 पर 15 जनवरी को हमने देखा था, ये सब डिटेल आपका वो देखा जा सकता है। इसके बाद जो है आपका वो फोटो भी देख सकता है, आपका गैलरी में जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको इसके बताया। एक सेकेंड आपको मैं बैक के जाता हूँ और इसमें दिखाता हूँ आपके और क्या देख सकता है कोई भी इसमें, और कुछ दिखाते हैं जैसे कि आप अगर इस पॉइंट पर क्लिक करोगे आप और इसमें आ गए कॉन्टैक्ट्स में आ गए, तो जो भी गूगल पे आपका कॉन्टैक्ट्स होगा किसी का भी आपका कोई भी सेव कर रखे हो तो वो चीज़ आपका इसमें सब शो कर देगा, आपका जितना भी चीज़ें हैं शो कर दे। इसके बाद आप अगर इस पर गूगल ये आगे फोटोज में, तो आपका जो फोटो जितना भी होगा आप गूगल मतलब आपके डिवाइस में कनेक्टेड वो सब आपको दिखाई देगा। मैंने क्योंकि 2 साल से मैंने अपडेट नहीं किया है तो इसमें 2 साल का सब कुछ पहले का दिखा रहा है यहाँ पर, जो भी मेरा फोटो है कोई भी किसी का भी फोटो देख सकता है आप यहाँ से। तो इसके बाद इसमें आप आपका जीमेल आईडी तो पूरा देख ही सकता है, इसके बाद गूगल ड्राइव में जाके वो देख सकता है कि आपने क्या क्या इंपॉर्टेंट आपका डॉक्यूमेंट्स है। मेरा बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है वो भी देख सकता है वो आपका, और उस डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज भी कर सकता है। तो इसलिए अपने गूगल ड्राइव को जो है हमेशा सिक्योर रखे, गूगल को सिक्योर रखे, गूगल का जो भी आपका यूज होता है। और इसके बाद जो है आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड को बहुत सिक्योर रख सकते हैं। सिक्योर रखने के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कैसे आप अपने जो है ईमेल आईडी है उसको सिक्योर रख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।